सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने लगे किस तरीके से आप अपने एक मोबाइल के लिए ईमेल आईडी बना सकते हो अच्छा सा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल के लिए ईमेल आईडी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊँगा बहुत ही आसान तरीका जिससे आप अपना ईमेल आईडी एक अच्छा सा अपने नाम से बना सकते हो। तो दोस्तों, चलो वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप अपने मोबाइल के लिए एक ईमेल आईडी बना सकते हो अपने नाम से। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप अपने मोबाइल को ओपन करोगे तो आपको एक जीमेल आईडी का यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा जो कि कुछ इस तरीके से डब्बे के अंदर रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। बहुत सारे फ़ोन में आपको उसको ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जीमेल को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे हम जीमेल ओपन करोगे तो अगर आपके फ़ोन में ऑलरेडी पहले से जीमेल आईडी होगा यानी कि ईमेल आईडी होगा तो उसको आपको कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ऊपर में लोगो दिखेगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके और वहाँ पे नीचे देखोगे तो आपको ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा। तो उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सेट अप ईमेल आईडी का ऑप्शन दिखेगा, तो उसके नीचे आपको एक गूगल आईडी का ऑप्शन दिखेगा, गूगल का, ठीक है, गूगल लिखा हुआ। तो क्या करना है, यहाँ पर आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल पे क्लिक करोगे तो ये एक चेकिंग इन्फो करेगा, उसके बाद से आपके फ़ोन में अगर लॉक वगैरह लगाया रहेगा तो वो मांगेगा, तो उसके बाद से ये चेकिंग इन्फो करेगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, आपको यहाँ पे ईमेल और फ़ोन लिख बोलेगा, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे नीचे में आप उसको देखोगे तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके फॉर माई सेल्फ पे क्लिक कर देना है। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वही आपको यूज करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, आप अपने नाम से बनाना चाहते हो तो वही वाला आपको नाम आपको यहाँ पर डालना है फर्स्ट में। तो जैसे कि मान लो आपका नाम है आपको राहुल, ठीक है, जैसे आपका नाम है राहुल और यहाँ पे आपका सरनेम डाल देना है, यानी कि अगर आप जो भी लिखना चाहते हो राहुल सिंह कुमार कुछ भी लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपना सरनेम डाल देना है, यहाँ पे राहुल कुमार, ठीक है, यहाँ पे हम डाल देंगे। उसके बाद से आपको यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अपने जो है डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हो या कुछ भी, आपको 18 मतलब इतना डेट ऑफ बर्थ डालना है जिसमें 18 साल आ जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और यहाँ पे 1 जनवरी, जो भी आपका डेट बर्थ हो वही आपको अपना डालना है, आपको ये वाला डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। तो हम यहाँ पे एक यहाँ पे 2000 के डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जेंडर पूछ रहा है, तो अगर आप लड़की हो तो लड़की का डालना है, अगर आप लड़के हो तो आपको मेल लिखना है। तो यहाँ पे आपको फाइनली आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको मेल फीमेल पूछेगा, तो आप राहुल कुमार हो तो इसी वजह से अगर आप लड़के हो तो आपको मेल सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको जो आपका नाम है वही वाला यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे राहुल, ठीक है, तो यहाँ पे फटाक से हम लिख लेता हूँ राहुल कुमार, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर इसके आगे डाल सकते हो या 5-6 अंक का कुछ भी अंक यहाँ पर डाल सकते हो। तो यहाँ पर हम 7869 कुछ इस तरीके से डालते हैं और देखते हैं ये लेता है या नहीं लेता। तो अब यहाँ पर क्या करना है, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये देख सकते हो दोस्तों, ये नहीं ले रहा। तो और भी यहाँ पे इस पे अंक हम, अगर आप यहाँ पे राहुल कुमार के आगे आप अपना मोबाइल नंबर ही ऐड कर दो, मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ ताकि ये अच्छा से ले ले, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा, तो आपको पासवर्ड में क्या डालना है, आप अपने मोबाइल का पासवर्ड डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड ये वाला डाल देते हैं 1 2 3 4, ये नहीं लेगा। कम से कम 10 अंक का पासवर्ड आपको डालना है। तो यहाँ पर 00 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना पासवर्ड डाल दिया, आपको अपना मोबाइल नंबर का पासवर्ड डालना है, मतलब मोबाइल नंबर यहाँ पे पासवर्ड में आपको डालना है, या कुछ भी अपना नाम वगैरह कुछ भी डाल सकते हो जो आपको याद रहे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, जैसे कि राहुल, ठीक है, तो इस तरीके से हम राहुल डाल देते हैं। आपको ये वाला लेटर याद रखना है 1 2 3 4, ठीक है।
तो राहुल 1 2 3 4 हम नेक्स्ट करके देखते हैं, तो ये ले लिया, ठीक है। तो हमको यहाँ पे इसका पासवर्ड याद हो गया, राहुल बड़ा वाला है, आर बड़ा वाला और सब छोटा वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे राहुल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यस आई आई एम इन, ठीक है, यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो देख सकते हो दोस्तों, तो यहाँ पे राहुल कुमार का यहाँ पे जो है ईमेल आईडी रेडी हो चुका है, आपको देख सकते हो। अब यहाँ पे जो भी नंबर हमने डाला वो उसके आगे आ गया, तो अगर आपका मोबाइल नंबर डालोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, रिव्यू योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर नीचे में देखोगे तो ये नेक्स्ट करने के लिए बोलेगा, तो आपको सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो ऊपर में आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एग्री कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही एग्री करोगे तो ये थोड़ा सा सर्च करेगा, उसके बाद से आपका जो है ईमेल आईडी आपके फ़ोन में लॉगिन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो गूगल सर्विस, ठीक है, ये हमारा जो फ़ोन के अंदर ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा और आपके प्ले स्टोर के अंदर ईमेल आईडी आपका शो होने लगेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो मेरा ऑलरेडी ईमेल आईडी था तो यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर नीचे में देखोगे तो आपको यहाँ पर जो हमने ईमेल आईडी अभी बनाया वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुका है। और दोस्तों यहाँ पर इस ईमेल आईडी के अंदर हम देखते हैं तो कुछ भी वगैरह इसके अंदर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना ईमेल आईडी बना सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने प्ले स्टोर के लिए यूज करना चाहते हो तो जैसे ही आप प्ले स्टोर में यूज करोगे, मतलब ओपन करोगे, तो प्ले स्टोर भी आपका इसी ईमेल आईडी से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके प्ले स्टोर के अंदर जो भी पहले से ईमेल आईडी होगा उसको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है ईमेल आईडी हमने जो अभी बनाया वो ईमेल आईडी यहाँ पर आ चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने प्ले स्टोर, अपने मोबाइल के लिए एक अच्छा सा ईमेल आईडी बना सकते हो। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और दोस्तों अगर हम हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको हमेशा मेरे चैनल पे मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।